मैं बात करूंगा ना अम्मी से, दो टोक बात करूंगा, लेकिन नेहा प्लीज तुम चलो मेरे साथ। आसिम मैं कह रही हूँ ना कि आप मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दें। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के मैं बाहर सुकून में कैसे रहूंगा? मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, वो आंटी है ना मेरे साथ। जो कोई भी हो, मैं तो नहीं होऊंगा ना। तुम्हारी फिक्र रहेगी, टेंशन रहेगी, मेरे सामने तुमने अपना ये हाल कर दिया तो मेरे पीछे क्या क्या करोगे? रो रो के हालत खराब कर लो। अपने प्यारों को अल्लाह के हवाले करके उनको मट्टी में दबा के सबर आ जाता, मुझे भी कुछ दिन में आ जाएगा सबर, मगर आप कुछ दिन मुझे यहाँ रहने दे, मेरी बात मान लें। और अम्मी ने भी यही हुक्म दिया था मुझे। फिर वही बात, अम्मी कुछ नहीं कहेंगी, प्लीज चलो मेरे साथ। नहीं आसिम, मैं घर जाके भी इसी तरह रोती रहूंगी और फिर अम्मी मुझे बातें सुनाएंगी। प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं बात कर लूंगा उनसे और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, प्लीज चलो मेरे साथ। अरे ये अभी तक रो रही है? आओ बेटा हाथ मुंह धो, मैंने खाना लगा दिया है। वो आंटी मुझे भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं, मुझे यकीन है कि दिन में भी कुछ नहीं खाया होगा। चलो हाथ मुंह धो, हम साथ मिलके खाते हैं, आंटी भी हमारे साथ खाना खाएंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ बेटा चलो, आओ हाथ मुंह धो। शाबाश। कहाँ रह गए ये दोनों, इतनी देर हो गई वापस ही नहीं आया अभी तक। अजीब अजीब चीजें सुना रही होगी उसे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ आसिम, इतनी देर हो गई बेटा, निकल गए हो वहां से? नहीं अभी यही है। आप ठीक कह रही थी, वो नेहा अपसेट है बहुत और यहीं रुकना चाहती है, तो मैं भी शायद रात यहीं रुकूं उसके साथ। कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो तुम? सास तुम्हारी फौत हो गई है, घर तुमने मालिक मकान को वापस दे दिया है, अजनबियों में रहोगे तुम? मम्मी मैं कह रहा हूँ ना, वो बहुत अपसेट है, अगर उसको इसी से सुकून मिलता है कि वो यहाँ रहे तो फिर ठीक है। ठीक है, तुम्हें तो सिर्फ नेहा की परवाह है, माँ की परवाह नहीं है जो भूखी प्यासी यहाँ परेशान हो रही है तुम्हारे लिए। जो दिल में आए करो तुम दोनों। नहीं आसिम बेटा आ जाओ, खाना लगा दिया मैंने। जी ठीक है, नेहा यहाँ रुकना चाह रही थी रात में, लेकिन मैं इसको ले जाऊंगा। बेटा तुम तो ऑफिस चले जाओगे और उसकी हालत? मैं ऑफ ले लूंगा, उसको डॉक्टर के पास भी ले जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ उसका बहुत ख्याल रखूंगा, आप फिक्र नहीं करो। चलो ठीक है आ जाओ आप। हेलो, आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आप शेरू की वजह से नाराज होके गए थे या कोई और वजह थी? मैनेजर की कॉल आई थी ऑफिस के काम से, गए थे, बहुत सारे काम होते हैं मुझे। लेकिन आंटी तो मुझसे आपका पूछ रही थी, अगर आप ऑफिस गए थे तो। मैंने कब कहा कि मैं ऑफिस गया था?
मैं तो फैक्ट्री विजिट पे गया था सारी टीम के साथ। तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? आपका इंतजार। या? और देखे ना, आपके इंतजार में मैंने ये घोंसला। मेरी जान, दो मिनट मेरा वेट करोगी? सिर्फ दो मिनट। गुड कॉल, मैं आया। इन्हें क्या हो गया अचानक? Relax. अरे मेरी जान, डरो मत, डरो मत। सॉरी। एक काम करते हैं ना, हाथ धो मुझे अपना। अरे हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो, डरो मत। चलो मामा अंदर डिनर पे हमारा वेट कर रहे हैं। लेट्स गो, आ जाओ। अरे डरो मत, चलो ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इट्स ओके, होता रहता है। आ जाओ आ जाओ। अच्छा हुआ घर चली गई, फातिहा पढ़ के दिल को तसल्ली हो गई होगी। अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करें। हम जानते हैं आपका दुख बहुत बड़ा है। आपको सब्र दे, प्लीज आप परेशान मत हो, हम सब हैं आपके साथ। हम सब के साथ होने से भाभी को क्या फर्क पड़ेगा? भाई है ना, इतना ख्याल रखते हैं भाभी का। बस ठीक है, भाभी के साथ हैं भाई, ठीक है। हम भी आपका बहुत ख्याल रखेंगे, है ना अंबर? मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, क्योंकि सुबह से जाग रही हूँ ना मैं। तुम दो तसल्लियां, पता नहीं कब नॉर्मल होंगी। इसकी बात का बुरा मत मानिएगा, छोटी है ना, लाडली है, बिल्कुल बच्चों जैसी सोच है अभी, इसलिए मैं और अम्मी दोनों इसकी बात का बुरा नहीं मनाते। अच्छा आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए चाय लाऊं? नहीं, तुम यहां मेरे पास बैठी रहो, मैं आपके पास हूं। संभाले अपने आप को, बस। क्या मैंने क्या कहा? चली जाओ, निकल जाओ यहां से। मैंने कहा है वो कुछ भी कह देगी और तुम मान जाओगे? माँ को मुजरिम बना के कटहरे में खड़ा कर दिया तुमने। असल में अम्मी, उसको उसको पार्लर ही नहीं जाना चाहिए था आज। मैंने तुम्हारे सामने मना किया था, वो खुद गई है। वो हो सकता है, आपने कहा था ना कि दो ब्राइड्स हैं तो प्रेशर में आ गई होगी। वाह वाह वाह, वो झूठ बोल के माँ बेटे के बीच में गलत फहमी पैदा कर देती है, और तुमने भी यकीन कर लिया? नहीं नहीं, मैं यकीन नहीं कर रहा, और प्लीज अब बात को समझने की कोशिश तो करें। मैं सब समझ रही हूँ, उसे तुम्हारे कान भरे हैं मेरे खिलाफ, बीवी के सामने माँ की कोई हैसियत ही नहीं है। तुम भी मुझे झूठा समझ रहे हो? नहीं नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बुलाओ उसे, बुलाओ ना, सामने आए ना, मेरे सामने आके बात करें, सब क्लियर हो जाएगा। जाओ, ठीक है, मैं जाके ले आती हूँ। अम्मी प्लीज प्लीज, देखे अभी अभी देखे, मैं समझता हूँ कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन लेकिन उससे अभी सवाल जवाब करना ठीक नहीं है। उसकी अम्मी की डेथ हुई और वो
गहरे सदमे में है, उसको थोड़ा वक्त दे प्लीज। इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो अपने शोहर की माँ पे इल्जाम लगाए बेटा। मम्मी आप समझने की कोशिश करें, जब बाबा की डेथ हुई थी ना तो मैं समझदार था, बड़ा था, लेकिन वक्त लगा था मुझे संभलने में, रिकवर करने में, और आपने हम तीनों को संभाला। नेहा का कोई नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है, बाप का साया नहीं है सर पे, बस एक अम्मी थी। अब वो भी, मैंने उसी माँ बनने की पूरी कोशिश की है, दिलो जान से मैं उसको चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने है क्या कर रही है वो। उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, उसको माफ कर दे प्लीज। बेटा आज मैं माफ कर दूंगी, कल वो फिर कुछ और कर लेगी। नहीं होगा कुछ, कुछ नहीं होगा, मैं वादा कर रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा, बस प्लीज उसको थोड़ा सा वक्त दे दे, वो संभल जाएगी फिर। अच्छा जाओ चेक करो, पता नहीं क्या हाल होगा, तुम भी जाके आराम करो, जाओ जाओ। जी थैंक यू। तुम सोई नहीं? जी बस मैं जा ही रही थी अपने कमरे में। ठीक है आराम आराम कर लो। अम्मी ने हर बात से इनकार कर दिया है ना। नेहा मैं छोड़ें, रहने दें, मैं भी चेंज करके आती हूँ। चलाकी से मुझे वो कंगन हड़प लिए, मैंने कुछ नहीं कहा, पीछ नहीं जा रही है, माँ की आखिरी निशानी है यार। कुछ भी हो जाए जोया जी, मैं वो कंगन आपको ला के दूंगा, आई प्रॉमिस यू। इंतजार था जिस आकार का, वो आ चुका है यहाँ पे, प्लीज वेलकम उस्ताद जी।
रहा था, अगर बेचारे परिंदों ने दरख्त पर घोंसला बना लिया था, इतने सालिम तो नहीं लगते आप। कब से उठी हुई हो, मुझे जगा देती। मैं 6 बजे आंख खुल गई थी मेरी। अच्छा 9:30 हो रहे हैं, तुम 6 बजे की उठी हुई हो। नाश्ता किया है? नहीं, मैं आपका इंतजार कर रही थी कि आपकी खुद ही आंख खुल जाए। और आपने रात को अम्मी से बात की थी, मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर मैं बाहर गई तो अम्मी पता नहीं कैसा सुलूक करेंगी। क्यों इतना खौफजदा हो रही हूँ मुझे? इतना खौफजदा होने की जरूरत नहीं, अम्मी कुछ नहीं कहेंगी। मोहब्बत करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, डरो मत। मुझे 2 मिनट दो, फिर चलते हैं। ये लो शेरू, खामोश हो जाओ, आराम से खाओ, शोर नहीं करना। अच्छा क्या बात है साद, आज नींद तो तुम्हारी पूरी हुई है तो इतने बेजार क्यों लग रहे हो? अच्छा निशा सुनो बेटा, आज ऑफिस में ना हम लोग बहुत बिजी हैं, हो सकता है हम लेट आए वापस, तो तुम घबराना मत और अपना बहुत ख्याल रखना, स्पेशली खाने पीने का। अच्छा जी आंटी। चाय दूं तुम्हें? Girl.